अच्छा, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनका जो है वो पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता और उनको जो जगह मिलती है वो वहीं पे बैठ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और आज हम होम्योपैथिक जो थेरापेटिक्स है उसके सिलसिले में एक दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पेट्रोसिलिनम। अच्छा, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनका जो है वो पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता और उनको जो जगह मिलती है वो वहीं पे बैठ जाते हैं और लोग जो है उनको बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन असल मसला ये होता है कि उन लोगों का ये इशू है कि वो पोलीयूरिया जो है उनको होता है और वो बार बार जो है वो कंट्रोल ही नहीं होता उनका पेशाब और वो कहीं भी जो है वो मतलब कि बैठ जाते हैं। अच्छा, इसकी जो मेन इंडिकेशन है वो ये है कि एक तो डिसयूरिया यानी पेशाब जो है वो दर्द के साथ आता है, उसके बाद सिस्टाइटिस है, गनोरिया है और जो ग्रेवल डिजीज़ है वो है और साथ पोलीयूरिया। जो दवा है वो है पेट्रोसिलिनम और ये जो दवा है कि मतलब है कि पेशाब जो है वो इतना बार बार आता है कि उसने मरीज़ का जो है उसकी नाक में जो है उसने दम कर रखा होता है। मरीज़ जो है वो किसी सड़क पे बैठ जाएगा, रोड के किनारे बैठ जाएगा और वो भाग के जाता है वॉशरूम की तरफ, लेकिन वॉशरूम जाने से पहले ही जो है ना उसका पेशाब जो है वो खारिज हो जाता है। अच्छा, अगर पेशाब हो जाए उसके बाद कतरा कतरा पेशाब उसको आता रहता है। अच्छा, मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे मसाने में किसी ने सुराख कर दिया। अच्छा, मतलब मेन इंडिकेशन डिसयूरिया, पेशाब आएगा तो दर्द के साथ आएगा और बहुत मतलब ज़्यादा आएगा। तो अगर इस तरह की कोई इंडिकेशन ये पेशेंट आते हैं या आपके सामने, तो आपके जहन में जो ज़ाहिर होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका की जितनी दवाएँ हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दैट इज़ पेट्रोसिलिनम और वो आपके माइंड के अंदर आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।